साइलेसिया होम्योपैथिक दवा कौन कौन सी बीमारी में काम करता है, किस तरह का लक्षण दिखाई दे तो यह दवा का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के देखने के बाद आप लोग को जीवन भर याद रहेगा कि यह दवा कौन कौन सी बीमारी में काम करता है, किस तरह का लक्षण दिखाई दे तो यह दवा का उपयोग करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन जीके में। दोस्तों अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर आप मैसेज करें। बिच्छू भौरे काट लिए हैं, लहर दर्द बहुत हो रहा है, तो दोस्तों आप साइलेसिया 30 दवा को दो दो बूंद 5 मिनट पर 2-3 बार पिला दे, लहर दर्द सब समाप्त हो जाएगा। दोस्तों बिच्छू भौरे वगैरह काटता है तो आपके शरीर में वह अपना कांटा छोड़ देता है, तो दोस्तों साइलेसिया दवा कांटा को बहुत जल्द ही निकाल देता है। आप साइलेसिया दवा को 2-3 बार प्रयोग कीजिएगा तो कांटे अपने आप ही निकल जाएगा। दोस्तों आपके शरीर में बाहरी चीज कुछ भी गर गया हो, कांटा, कांच, कील, सुई वगैरह कुछ भी गर गया हो, वो नहीं निकल रहा है, तो दोस्तों आप साइलेसिया 200 दवा को 2-2 बूंद 3 बार पीने के लिए दीजिएगा तो बहुत जल्द ही कांटा, सुई वगैरह कुछ भी गर गया हो अपने आप ही निकल जाएगा। आपको निकालने की कोई ज़रूरी नहीं, वह नहीं निकल रहा है तो यह दवा को प्रयोग करने से वह अपने आप ही निकल जाएगा। आप खेत वगैरह में काम करने जा रहे हैं तो खूंटी गर गया, सुई गर गया, कुछ भी गर गया, वो नहीं निकल रहा है, तो दोस्तों आप साइलेसिया 200 दवा को 2-2 बूंद 3 बार पीजिएगा तो अपने आप ही कांटा निकल जाएगा। दोस्तों बच्चे को टीका लगाने से प्रॉब्लम होता है, सर्दी खांसी बुखार वगैरह हो जाता है, पोलियो का टीका हो या कोई भी टीका लगाने से तकलीफ होती है, दोस्तों तो आप साइलेसिया दवा का प्रयोग करें, बहुत जल्द ही बच्चा ठीक हो जाएगा, सर्दी खांसी वगैरह सब ठीक हो जाएगा। बच्चे का पेट मोटा और फूला हुआ हो, बच्चा बहुत धीमी से चलना सीखता है, बच्चा बहुत धीमे से चलता है, पेट मोटा और फूला हुआ हो, दोस्तों तो आप साइलेसिया दवा का प्रयोग करें। ग्लोबल्स में 5 गोली सुबह शाम खाने के लिए दीजिएगा, बच्चे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और बहुत जल्दी ही चलना सीख जाएंगे। पैर या हाथ से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, इतना ज़्यादा पसीना निकलता है कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो पूरी कागज़ भींग जाता है, पूरे पन्ना भींग जाएगा, इतना ज़्यादा पसीना निकलता है। या आप चप्पल पहने हुए रहते तो पूरे चप्पल पानी पानी हो जाता है, एकदम पसीना से भींग जाता है पूरे चप्पल, इतना ज़्यादा पसीना निकलता है। तो दोस्तों आप साइलेसिया दवा का प्रयोग कीजिए, बहुत जल्द यह ठीक हो जाएगा। आँख से धुंधला दिखाई देता है, पढ़ते समय अक्षर साथ साथ चला जाता है, ऑफिस में काम करने वाले लोगों को होने वाले मोतियाबिंद में भी यह दवा बहुत ही बढ़िया काम करता है, तो दोस्तों आप साइलेसिया 30 दवा को 2-2 बूंद सुबह शाम पीने के लिए दे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मल बहुत दिक्कत से निकलता है, कुछ मल बाहर निकलता है फिर भीतर चला जाता है, दोस्तों इस तरह का लक्षण दिखाई दे जो मल बाहर निकलता है फिर भीतर चला जाता है, तो दोस्तों आप साइलेसिया 30 दवा का प्रयोग करें, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हाथ पैर ठंडा रहता है, सर्दी के मौसम में और ज़्यादा कष्ट बढ़ जाता है और हाथ पैर ठंडा हो जाता है, गर्म कपड़ा पहनना चाहता है, दोस्तों तो इस तरह का लक्षण दिखाई दे तो आप साइलेसिया दवा का प्रयोग करें, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों साइलेसिया दवा घाव वगैरह को बहुत जल्दी सुखा देता है, घाव वगैरह सुखाने में यह दवा बहुत ही बढ़िया काम करता है, तो दोस्तों आप साइलेसिया 200 दवा को 2-2 बूंद सुबह शाम पीने के लिए दीजिएगा तो घाव वगैरह बहुत जल्दी सूख जाएगा। दोस्तों जब महिला अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसी समय योनि पथ से रक्त निकलता है, उसी समय योनि पथ से खून निकलता है, जब महिला अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसी समय निकलता है, तो दोस्तों आप साइलेसिया दवा का प्रयोग करें, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। धौना कंधा लिमा के चलता है, सीधा से नहीं चलता है, मेरुदंड कमजोर है, तो दोस्तों आप साइलेसिया दवा का प्रयोग करें, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, वह टाइट चलेगा, जो धौने लिमा के या सिर झुका के चलता है वो नहीं चलेगा। बच्चा बहुत जिद्दी और क्रोध रहता है, हमेशा रोते हुए रहता है, किसी तरह शांत नहीं होता है, वो हमेशा रोता ही रहता है, तो दोस्तों आप साइलेसिया दवा का प्रयोग करें, बच्चे बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, बच्चे बहुत जल्द रोना बंद कर देंगे। ओठ के किनारे की चमड़ी मोटी हो गई है, ओठ में ट्यूमर हो गया है, तो दोस्तों आप साइलेसिया दवा का प्रयोग करें, ट्यूमर बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। कान बहना, कान से पानी की तरह पतला पस निकलता है और उसमें बहुत ज़्यादा बदबू रहता है, तो दोस्तों आप साइलेसिया 200 दवा को 2-2 बूंद सुबह शाम पीने के लिए दें, बहुत जल्द कान बहना बंद हो जाएगा। दोस्तों तो हमने जितने भी लक्षण के बारे में बताया यह सभी लक्षण साइलेसिया दवा का लक्षण है, तो दोस्तों यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया था, वीडियो अच्छा लगा और जानकारी अच्छी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा।